हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर YouTube चैनल। एंड गाइस, ये हमारे पास Realme C31 का इंडियन रिटेल यूनिट। एंड आज की वीडियो में करेंगे यहां पर इसके अनबॉक्सिंग एंड मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, क्या कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, क्या कुछ चीजें कमियां लगी, कंप्लीट डिटेल यहां पर देने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक के टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको Realme C31 का रिटेल यूनिट का बॉक्स देखने को मिलेगा। बैक साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन करे गए। हमारे पास में डार्क ग्रीन कलर एंड 464 वाला वेरिएंट है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि आपको बॉक्स में क्या कुछ कंटेंट देखने को मिलने वाले है। तो इसे रख देते हैं साइड में एंड यहाँ पर वही टिपिकल Realme का जैसे सारे फोन का बॉक्स मिलता है वैसे ही देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये काफ़ी पतला लग रहा है, इसका मतलब केस यहाँ पर नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से रहना चाहिए। वैसे यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है एंड अंदर यहाँ पर आपको आप देख सकते हो मैनुअल्स वगैरह, तो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा मेन डिवाइस Realme C31। ओके, तो कुछ इस तरीके का क्या, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बाकी की अगर चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉक्स में एक बड़ा सी अडेप्टर है, देखते कितने वॉट का है। ओके, तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, मतलब 10 वोल्ट का नॉर्मल ब्रिक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग नहीं है। प्लस यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिलता है। ओके, सो केबल भी आपको माइक्रो यूएसबी देखने को मिलता है, टाइप सी नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से टाइप सी 2022 में होना चाहिए था। तो ये कुछ यहाँ पर आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलेंगे Realme C31 के इंडियन रिटेल यूनिट में। सो गाइस, ये हमारा मेन डिवाइस Realme C31। देखते कलर हमें कैसा देखने को मिलता है, डार्क ग्रीन वाला। ओहो भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब देख सकते हो एक अलग सा यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। तो इसे इस स्टिकर को निकाल देते हैं फिर देखते हैं। ओके, काफ़ी टाइट है। ओके, सो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको फर्स्ट लुक देखने को मिलता है C31 का। डिज़ाइन के मामले में Realme ने काफ़ी ज़बरदस्त काम करा है यार, मतलब हाथ में लेते साथ ही लग रहा है एक सॉलिड एंड स्टर्डी डिवाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कैमरा लेआउट में थोड़ा देख सकते हो डिज़ाइन को यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करा गया, Realme की ब्रांडिंग है। चलिए फटाफट से हम यहाँ पर फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें गाइस, फ्रंट्स अगर आप देखोगे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। Realme C31 लिखा हुआ है, कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन करे गए। ये यहाँ पर आप देख सकते हो एक अलग सा प्लास्टिक लगा के दिया गया है एंड डेफिनेटली आपको स्क्रीन गार्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो कि पतला वाला एटलीस्ट यहाँ पर मेरे हिसाब से Realme को देना चाहिए था। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें, फ्रंट में यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक HD+ वाला एक IPS डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है, फ्लैश है, साथ ही में Realme की ब्रांडिंग एंड स्पीकर देखने को मिल जाता है। बॉटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है, मेन माइक्रोफोन देखने को मिलता है एज वेल एज आपका माइक्रो यूएसबी का पोर्ट देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, साथ ही में राइट की तरफ देखें तो पावर ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अंदर ही देखने को मिलता है। साथ ही में लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर सिम ट्रे देख लेते हैं कैसा कॉन्फिगरेशन दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलिए गाइस, जल्दी से मैं यहाँ पर डिवाइस को बूट अप कर लेता हूँ, जब तक कि आप यहाँ पर साइड में स्पेसिफिकेशन देखो, देन फोन को मैं कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, देन अपने इनिशियल इंप्रेशन जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर ये डिवाइस को मैंने कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करो, अपने फर्स्ट इंप्रेशन जो आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील के बारे में। बैक डेफिनेटली आपको पॉलीकार्बोनेट वाला देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी स्टर्डी बॉडी लगती है एंड आपको एक ग्रिप भी देता है, एक अलग से टेक्स्चर यहाँ पर नीचे दिया गया है। कैमरा लेआउट अगर आप देखोगे, Realme के जो फ्लैगशिप टाइप के जो डिज़ाइन नया वाला कैमरा लेआउट मिला है वो यहाँ पर सी सीरीज में इस्तेमाल करा गया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो ओवरऑल इन हैंड फील की बात करें तो यस, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि भाई कुछ हैवी पकड़े हो एंड अच्छा सॉलिड लगता है, ऐसा हल्का फुल्का नहीं लगता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बैक में स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे हिसाब से बॉटम में ही अगर रहता तो बेटर हो सकता था। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके UI की। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कराऊँ, UI आपको नॉर्मल जो Realme का RU वाला जो UI मिलता है, जो कि बजट फ़ोन में कुछ उस तरीके का आपको देखने को मिलता है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड इनिशियली मैं इस्तेमाल कराऊँ तो ठीक ठाक, अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ इंस्टॉल नहीं कराऊँ
रहा हूं, तो डिसेंट यहां पर चल रहा है। प्लस अगर हम बात करें इसके ब्लोटवेयर के बारे में, तो ब्लोटवेयर यस जी आपको देखने को मिल जाता है, मॉश देखने को मिलता है एंड स्नैपचैट है, ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं कहूंगा बट थोड़े बहुत है, वो भी आप टैप करके जो है आप अनइंस्टॉल यहां पर से कर पाओगे, तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मैं सेटिंग्स खोल के आपको यहां पर एंड्रॉइड वर्जन एंड सारी चीजें यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले जाते हैं हम यहां पर अबाउट डिवाइस में, तब देख सकते हो एंड्रॉइड 11 यहां पर चल रहा है, प्लस आपका रियलमी यूआई आर एडिशन यहां पर रन कर रहा है, प्लस 64GB वाला वेरिएंट हमारे हैं। स्टोरेज अगर आप 64GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको कितना स्टोरेज मिलेगा आप देख सकते हो, 22% यूज्ड है, मतलब अराउंड 50GB के आसपास यहां पर आपको फ्री स्टोरेज देखने को मिलेगा। वैसे ट्रिपल कार्ड स्लॉट है तो आप यहां पर एसडी कार्ड लगा सकते हो। बाकी जो रियलमी के जो बजट फोन में आपको सेटिंग पैनल मिलता है कुछ उसी तरीके का यहाँ पर भी मिल जाता है। एंड हम डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो ये आपको ये कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि डार्क थीम मतलब डार्क मोड जो हम नाइट मोड कहते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड रेजोल्यूशन अगर आपको गेमिंग वगैरह के टाइम पे कम करना है वो यहाँ पर से आप ज़्यादा कम कर पाओगे। कलर एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर से सेचुरेशन लेवल वगैरह बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। वीडियो डिस्प्ले एनहांसमेंट के लिए आप अलग अलग यहाँ पर एप्लीकेशन में आप जो एनहांस डिस्प्ले को कर सकते हो कलर एंड ब्राइटनेस वगैरह को। एंड बाकी की जो नॉर्मल सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है वो सारी भी यहाँ पर दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक की स्पीड के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ये वाला थंब अपना यहाँ पर अप्लाई करो, अब देखते हैं कितना फास्ट है। अब देख सकते हो टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब ये वाली फिंगर मैंने आप देख सकते हो मैंने रजिस्टर नहीं करा। अब फेस अनलॉक देख लेते हैं, मैं अपने फेस की तरफ लाता हूँ, आप देख सकते हो टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, तो फेस अनलॉक एज वेल एज फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड काफ़ी फास्ट है। साथ ही में चलिए मैं यूट्यूब पे आपको एक वीडियो प्ले करके बताता हूँ कैसे कुछ यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं एंड ब्राइटनेस लेवल वगैरह देखने को मिलती है। तो चलिए हम यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा 6.5 इंच के डिस्प्ले पे। HD प्लस रेजोल्यूशन ज़रूर है लेकिन डेफिनेटली जो कलर वगैरह निकल के आ रहे डिस्प्ले से वो काफ़ी सेचुरेटेड है एंड अच्छे लग रहे हैं। एंड वाटर ड्रॉप नॉच आप यहाँ पर से देख सकते हो कुछ इस साइज़ का मिल जाता है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर से बॉटम की चेन तो वो भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए गाइस अब मैं यहाँ पर इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं एक सॉन्ग प्ले करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो फुल साउंड है, स्पीकर यहाँ पर पीछे मिलता है, सो गाइज मुझे पता नहीं कि माइक ने कैसा ऑडियो कैप्चर करा लेकिन साउंड क्वालिटी जो कि आपको बजट फ़ोन में हर एक में मिलती है वैसा कुछ देखने को मिलता है, मतलब ठीक है बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एवरेज क्वालिटी की मैं साउंड क्वालिटी से कहूँगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक का T612 वाला चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 12mm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक 4G चिपसेट है। एंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मैं नॉर्मली जो इस्तेमाल करूँ उसमें तो मुझे ठीक ठाक लगा, हाँ माइनर UI में कभी कभार यहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने इसमें BGMI खेल के भी देखा हो तो गेमिंग एक्सपीरियंस आप बहुत लो सेटिंग्स पे रखते हो तो ठीक ठाक मतलब एवरेज सी गेमिंग यहाँ पर कर पाओगे लेकिन आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक ठाक गेमिंग करके दे देगा लेकिन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होगा। एंड अगर हम बात करें भैया किसके आसपास की परफॉर्मेंस देता है तो जो MediaTek का Helio G70 वाला चिपसेट मिलता है ना जो कि 9-10 हज़ार रुपए की फोन में वही परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। तो मुझे अभी तक के जितना इस्तेमाल करा हो बैलेंस चिपसेट लगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप डिसेंट इसे कह सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसके कैमरे के बारे में, तो कैमरा आपको यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का मिलता है 13+2+2 मेगापिक्सल का, साथ ही में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। कैमरा UI की अगर हम बात करें कुछ इस तरीके का आपको UI देखने को मिलता है, सबसे पहले वीडियो मोड, कैप्चर मोड, पोर्ट्रेट मोड है एंड मोर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भाई कितने वीडियो मतलब रेजोल्यूशन पे शूट कर सकते हैं मैक्स, तो आप जाओगे यहाँ पर तो 1080p 30fps तक के मैक्स रिकॉर्डिंग जो है आप बैक कैमरे से कर पाओगे। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो सेल्फी कैमरा यहां पर अगर आप देखते हो तो सेल्फी कैमरे से आप मैक्स जो है 720p 30fps तक की रिकॉर्डिंग
कर पाओगे। गाइस चलिए मैं कुछ पीछे सैंपल्स आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ जो कि मैं इनिशियल इंप्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर रहा था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आउटडोर इमेजेस मुझे क्वालिटी जो है डिसेंट लगी, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक, जैसे कि सारे बजट फोन इमेजेस लेते वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। कलर्स वगैरह यहाँ पर मुझे अच्छे लगे। साथ ही में इनडोर्स की अगर हम बात करें तो भाई ठीक ठाक है, ये प्राइस पॉइंट पर कोई स्मार्टफोन जबरदस्त कैमरा नहीं देता है, तो ये भी आप कह सकते हो एवरेज मुझे यहाँ पर इसका रिजल्ट लगा है। जबकि सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल के हिसाब से डिटेलिंग ठीक लगी, बाकी ओवरऑल ये कुछ यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये थी मेरी इनिशियल इंप्रेशन वाली वीडियो यहाँ पर रियलमी C31 स्मार्टफोन की। स्पेशली यहाँ पर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर इसका डिजाइन अच्छा लगा, परफॉर्मेंस डिसेंट लगी एंड बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिलती है। बाकी कुछ कमियां रियलमी ने दी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे कि यहाँ पर बैक में स्पीकर दिए मेरे हिसाब से बॉटम यहाँ पर होना चाहिए था, प्लस यहाँ पर 2022 चल रहा है भाई, यहाँ पर माइक्रो USB की जगह टाइप सी पोर्ट मेरे हिसाब से बजट में भी होना चाहिए था। दो तीन चीज यहाँ पर रियल में अगर ठीक ठाक कर लेते तो और बढ़िया ये स्मार्टफोन बन सकता था। अब ये क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ लॉन्च से पहले तो मुझे इसका प्राइस पॉइंट का आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 10,000 या उससे कम की प्राइस पॉइंट पर ही इसका बेस ब्रांड आपको देखने को मिलेगा। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ओवरऑल यहाँ पर ये स्मार्टफोन की वीडियो आपको कैसे लगी, एंड ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है या कोई वीडियो आपको देखना है जो बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।